be happy, be healthy, be blessed. मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट PGI चंडीगढ़ में। लोगों को हेल्थ रिलेटेड वीडियो जो यूरोलॉजी से रिलेटेड है, मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ, जिससे आपकी जानकारी बढ़े और आप समझ पाएँ हर डिजीज के पीछे क्या वजह है, कुछ इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है। तो आज का जो विषय है वो है सिस्टोस्कोपी। कोई भी पेशेंट यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है और कोई भी सर्जरी करनी पड़ती है तो सिस्टोस्कोपी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, चाहे वो जांच का चाहे वो इलाज का। सिस्टोस्कोपी क्या होती है? सिस्टोस्कोपी दूरबीन द्वारा पेशाब के थैले के अंदर ब्लैडर को, ब्लैडर जो है वो एक सिस्टिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दूरबीन से जाते हैं तो स्कोपी करते हैं। सिस्ट के अंदर स्कोपी या ब्लैडर के अंदर स्कोपी को सिस्टोस्कोपी कहते हैं। तो पेशाब का थैले के अंदर जब हम दूरबीन द्वारा देखते हैं किसी डिजीज को जांच के लिए, डायग्नोसिस के लिए या किसी बीमारी के इलाज के लिए, दूरबीन द्वारा ब्लैडर के अंदर, पेशाब के थैली के अंदर, मसाने के अंदर जाके देखना और डायग्नोसिस करना, इसका एम होता है सिस्टोस्कोपी से। तो सिस्टोस्कोपी ब्लैडर के अंदर पेशाब के रास्ते ये ब्लैडर के अंदर जाके देखती है और पता करती है। जैसे इसमें सिस्टोस्कोपी से दिख रहे हैं ये ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर स्मूथ होता है, ये ब्लैडर का ट्यूमर है ब्लैडर के अंदर। तो सिस्टोस्कोपी क्यों की जाती है और इससे किस चीज़ को हम डायग्नोज कर सकते हैं या किस चीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं? तो ये देखिए, ये सर्जन का हाथ है, ये पेशाब का रास्ता है पेनिस के थ्रू, ये दूरबीन है जिसको सिस्टोस्कोप कहते हैं, पेशाब के अंदर थैली के अंदर जाता है और ये पेशाब किडनी की दो नली खुलती है, इसके अंदर भी हम स्टेंट डाल सकते हैं सिस्टोस्कोपी द्वारा या यूरेट्रोस्कोप डाल के हम यूरेटर के अंदर भी देख सकते हैं। तो किसी भी पुरुष को, महिलाओं को यदि पेशाब में ब्लड आ रहा है, हेमेचूरिया हो रही है, खून आ रही है या पेशाब में रुकावट है या पेशाब के रास्ते नैरो हो गया हो या पेशाब के थैली में ट्यूबरकुलोसिस हो गया हो या पेशाब का थैली का कैंसर हो गया हो या बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो या पेशाब में रुकावट हो रहा हो या पेशाब के रास्ते में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो सिस्टोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह दूरबीन के द्वारा हम आँख से पेशाब के थैली के अंदर, क्योंकि पेशाब के थैली, पेट खोल के पेशाब के थैली के अंदर जाना बहुत बड़ी सर्जरी है, तो दूरबीन के द्वारा पेशाब के रास्ते, पेनिस के रास्ते या फीमेल में छोटे सा रास्ता होता है यूरेथ्रा के रास्ते, हम दूरबीन डाल के पेशाब के थैली के अंदर स्टडी करते हैं और इसके द्वारा पेशाब के रास्ते में कोई नैरोइंग हो या यूरेथ्रा जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो वो भी पता कर सकते हैं, पेशाब के थैली में कोई ट्यूमर हो वो भी पता कर सकते हैं या प्रोस्टेट बढ़ी हुई हो वो भी पता कर सकते हैं या ब्लैडर में रुकावट हो वो भी पता कर सकते हैं, ब्लैडर कैंसर का भी हम पता कर सकते हैं। तो ये दूरबीन के द्वारा है, पेशाब के रास्ते से हम पेशाब के थैली में जाके बायोप्सी ले सकते हैं, ब्लैडर के ट्यूमर की बायोप्सी ले सकते हैं या पेशाब के रास्ते में कोई स्ट्रक्चर है उसे भी हम कट कर सकते हैं और रास्ता को खोल सकते हैं या किडनी की नली में कोई स्टेंट डालनी हो तो सिस्टोस्कोपी द्वारा हम कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लैडर के अंदर ट्यूमर है जिसे हम सिस्टोस्कोप द्वारा, दूरबीन के द्वारा हम देख सकते हैं। ये है, जैसे ये सिस्टोस्कोप है, ये पेनिस है, इसमें यूरेथ्रा है पेशाब का रास्ता, ये ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर है, तो ये सिस्टोस्कोप के द्वारा हम देख लिए। और फिर एक रिसेक्टोस्कोप आती है जिसके द्वारा हम इसको काट के फिर उसको बायोप्सी के लिए भेज सकते हैं। ये देखिए, ये ट्यूमर है, सिस्टोस्कोप के द्वारा हम देखते हैं और एक रिसेक्टोस्कोप होता है, उसे काटने का इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्टोस्कोपी के बाद, तो फिर इसको काट के हम जाँच के लिए भेजते हैं। और यदि छोटी ट्यूमर है तो हम पूरी तरह इसको काट के जाँच के लिए भेजते हैं
कि ब्लैडर कैंसर तो ना हो उसकी जांच के लिए। तो ये सिस्टोस्कोपी है। इसके अलावा पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम होता है जिसे इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कहते हैं, उसमें ग्लोमेरुलेशन होती है ब्लैडर के अंदर, ग्लोमेरुलेशन होती है ब्लैडर डिस्टेंस करने पे ये पता चल जाता है और बायोप्सी लेके ये पता कर सकते हैं कि ये क्या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम तो नहीं है जो पेशाब के थैली में दर्द का एक वजह हो सकता है, वो पता कर सकते हैं। पेशाब के थैली में स्टोन्स हैं उसका हम पता कर सकते हैं। पेशाब के थैली में ट्यूबरकुलोसिस है उसका पता हम कर सकते हैं। और जब फैलेरिया होता है, किडनी में फैलेरियासिस हो सकता है, तो पेशाब में दूध जैसा पेशाब आता है, दूध की तरह पेशाब आता है, उसकी भी डायग्नोसिस हम सिस्टोस्कोपी से कर सकते हैं जिसे कैलुरिया कहते हैं। कभी कभी किडनी के नली के नीचे वाले हिस्से में एक झिल्ली बन जाती है जिसे यूरेट्रोसील कहते हैं, इसका भी पता हम सिस्टोस्कोपी से करते हैं और फिर इसे लेजर के द्वारा हम खोल देते हैं। और कभी किडनी की नली में स्टोन होता है तो फिर सिस्टोस्कोपी के द्वारा हम स्टेंट डाल देते हैं, किडनी के अंदर स्टेंट डाल देते हैं कि रुकावट ख़त्म हो जाए। और कभी कभी ये स्टोन को तोड़ने के बाद यहाँ सूजन होती है तो किडनी की नली सिकुड़ ना जाए, तो वो सूजन को रोकने के लिए हम ये स्टेंट डालते हैं सिस्टोस्कोपी के द्वारा। और जब निकालना भी होता है तो ये सिस्टोस्कोपी करके ये स्टेंट को पकड़ के खींच के हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सिस्टोस्कोपी के द्वारा हम इतनी सारी चीज़ कर सकते हैं। ये सिस्टोस्कोपी लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है, 10 मिनट का प्रोसीड्योर है, पेशाब के रास्ते में थोड़ा लोकल एनेस्थीसिया डालते हैं, 10 मिनट इंतजार करके फिर इसे सिस्टोस्कोप के द्वारा हम ब्लैडर के अंदर जांच करते हैं। एक डोज एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत होती है, कल्चर कराने की भी ज़रूरत होती है, और उसके बाद 2-3 दिन यदि किसी को पेशाब में जलन वगैरह है तो 1-2 दिन की एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पेशाब के रास्ते में खून आना, पेशाब के रास्ते में रुकावट होना, पेशाब के थैली में पेन होना, किडनी की नली में स्टोन होना, ये सारे स्टेंट डालना, ये सारे चीज़ में हमें सिस्टोस्कोपी की आवश्यकता होती है जिससे हम बहुत सारे डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। बहुत सारे डिजीज में ये ऑपरेशन करने में ये मदद करती है। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी ब्लेस। थैंक यू।